शीमट वाली रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कोई रेसिपी नहीं बता रहे आप लोगों को, क्योंकि आप रेसिपी तो कोई ना कोई बना ही लेते हैं, लेकिन कुछ बनाकर खाकर पचा नहीं पाते हैं, या जिसे गांव में कहते हैं हजम नहीं कर पाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है। तो आज मैं आपको उसी के विषय में बताऊंगी कि आप खाकर खाना को कैसे पचाएं। किसी भी चीज़ को खाकर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बस आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो हम बताने वाले हैं आपको अजवाइन के विषय में। पुराने ज़माने में कहते थे कि लोग अगर अजवाइन खाओगे तो पत्थर भी पचा जाओगे। तो अगर आप पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बताने वाले हैं अजवाइन के विषय में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइस, अजवाइन हमारे देश में हजारों सालों से अजवाइन को आप प्रयोग मसाले के रूप में होता आ रहा है और ये हम सभी की किचन में पाया जाता है। ये दादी नानी भी इसकी यूज़ करती थी, तो हम आज इसका प्रयोग औषधि के रूप में करेंगे। इसे हिंदी में अजवाइन, अंग्रेजी में इसे कैरम सीड या तमिल में ओमिम, संस्कृत में अजवाइन को उग्रगंधा, ब्रह्मदर्वा, दीर्वा, दीप्या, यवनिका, अजमोदिका, यवानी, इसे हर जगह प्रत्येक भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन आप इसके सीड्स को देखकर समझ जाएं कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, इसके अजवाइन के कितने फायदे होते हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अजवाइन बात, पित्त, कफ सभी को कंट्रोल करता है। बस इसके लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसकी ताजगी थोड़ी गर्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत भी कही गई है, अगर आप अजवाइन खाएंगे तो पत्थर भी पचा जाएंगे। इसीलिए अगर आपको भूख नहीं लगती है या जो भी खाते हैं तो पेट में भारी पर रहता है और पचता नहीं है, ये समस्या ज़्यादातर लोगों की होती है। ये समस्या तो आपको क्या करना है, जब आप खाना खाएं तो उसके बाद आपको एक टीस्पून अजवाइन लें और मुंह में डाल लें, फिर उसे चूस चूस कर उसका रस पेट में जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपका खाना बहुत ही आसानी से पच जाएगा। और अगर आपको तीखापन ज़्यादा लगता है तो अजवाइन में नींबू का रस और काला नमक मिलाकर रख लें, फिर खाने के बाद खाएं तो तीखापन कम लगेगा। और अगर आप चबाकर नहीं खा सकते हैं तो आप अजवाइन का पाउडर बनाकर पानी के साथ फांक लें। और यदि अजवाइन आपको गर्मी करती है तो इसे दही या मट्ठा के साथ ले लें। इस नुस्खे को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, एक बार में ही आपको अजवाइन का फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और ये अजवाइन आप खाने लगे तो आप हर चीज़ को आसानी से पचा जाएंगे। और ये मेरा घरेलू नुस्खा फ़ायदा करे तो प्लीज़ अपनी फैमिली एवं फ्रेंड के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वीडियो को शेयर करें। अजवाइन खाएंगे तो पत्थर भी पचाएंगे। तो गाइस, खाने के बाद खाइए अजवाइन तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय श्री राधे राधे। ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।